हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जी, व्लॉग जो है वो कल से ही कंटिन्यू किया था मैंने, और अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और आप देख सकते हो चीकू कैसे मेरे पीछे पीछे, ना जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पीछे पीछे चलता रहता है। बहुत बिजी ज़्यादा सा शेड्यूल हो गया है हमारा। मेरे पीछे क्या कर रहे हो, मेरे को ये पता है? सारा दिन पर खाना खाते हैं, सारा दिन पर खाना खाते हैं। ये कौन से चीकू स्लीप। क्या चल रहा है? ऊपर आना है, ऊपर आना है। किधर गए, किधर हो? क्या करना है, क्या करना है पहले बताओ, क्या करना है? अभी खाना खाया ना तो मस्ती आ रही है, पूरे घर में चीकू चीकू है। क्या कर रहे हो अंदर, अंधेरे में क्या चल रहा है? हाँ अच्छा, इधर क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है इधर बताओ तो, क्या चल क्या रहा है इधर? अभी सोने का टाइम हो गया चीकू? अभी चीकू के सोने का टाइम हो गया, सोने का। अभी सोने का टाइम हो गया है ना, सोने का टाइम हो गया। अभी ब्लैंकेट पे सोते हैं भाई, हम नीचे क्यों सोएं है ना। तो चलिए, थोड़ी देर के लिए तो वो सो गया है, और अब मैं बना लूँगी जल्दी से लंच, क्योंकि दाल पहले ही मैंने बना के रख ली थी। रोटी बनानी है तो वही बनाऊँगी। और वो ज़्यादा देर नहीं सोता है, अभी बहुत छोटा है ना, तो थोड़ी थोड़ी देर सोता है, थोड़ी देर में ही जाग जाता है। तो इस तरह से पूरा दिन हमारा जो है निकल जाता है। बहुत बिजी जाता है आजकल दिन, पता नहीं चलता है सुबह कब होती है, शाम कब होती है, रात कब होती है। और रात को बिना उसको बहुत कम नींद आती है, खेलता रहता है पूरी रात भर, तो हमारी भी नींद पूरी नहीं होती है। सुबह जाके वो सोता है, तो थोड़ी देर हम भी ना सुबह सो लेते हैं, और फिर थोड़ी देर में उठ के आ जाएगा। फिर उसको थोड़ी देर में खाना चाहिए, सुसु करता है, पॉटी करता है, बस इसी तरह से ना बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उसकी केयर करनी पड़ती है। और हमारा भी ना इस तरह से टाइम भी पास हो जाता है और मन भी लगा रहता है उसके साथ। और आज मन कर रहा था इस तरह से ना दाल के अंदर रोटी को ना चूर के खाऊं, तो बस इस तरह से मैंने इसके अंदर पूरी अच्छे से मैश कर दी थी, और अच्छी तरह से उसके अंदर घी भी डाला था, हरा धनिया डाल के अच्छे से उसको अंदर ना मिक्स कर दी रोटी, और उठा उठा के खाया। बहुत मज़ा आया था, हर बार जो है मतलब चम्मच से और छोटे छोटे बाइट लेने में मज़ा नहीं आता, तो इस तरह से ना मिक्स करके रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी चावल भी इस तरह से मिक्स करो ना अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी ना हल्की हल्की सर्दियाँ चल रही है ना, तो इस तरह से खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, बाहर धूप में बैठ के तो और भी अच्छा लगता है। हालाँकि यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत धूप है ना, थोड़ी देर बैठा जाता है, ज़्यादा देर भी नहीं बैठा जाता है उसमें। और देखिए, शाम का टाइम हो गया है, चाय का टाइम है ये, और वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मेरी टांगों में काट रहा था, तो मैंने उसको गोदी में ही उठा लिया ताकि चाय बन जाए आसानी से। और हस्बैंड इस टाइम पे नहीं थे, वो थोड़ा काम कर रहे थे अपना, तो उनके पास भी नहीं छोड़ सकती थी उसको।
फ़ोन पे कॉल कर रहे थे, तो अच्छा भी नहीं लगता है बीच में, वो परेशान करता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना उसको मैं गोदी में उठा के चाय बना लेती हूँ। इतना परेशान नहीं करता है गोदी में, लेकिन हाँ जब टांगों में होता है तो टांगों में काटना शुरू कर देता है, तो थोड़ा सा उस टाइम पर उसको मतलब पकड़ना पड़ता है, जैसे कई बार परेशान करता है उस टाइम पर, नहीं तो वो आराम से बॉल के साथ खेलता रहता है या फिर सीढ़ियों पर चढ़ता रहता है, तो इस तरह से उसका तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी पकड़ना पड़ता है हमें, इस तरह से उठाना भी पड़ता है। और ये है अगले दिन का व्लॉग, तो यहाँ पे मैं अभी ना लंच की तैयारी कर रही हूँ, और लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ फूल गोभी। कल रात को भी बिल्कुल भी मेरे से शूट नहीं हो पाया था और सुबह भी व्लॉग नहीं बन पाया था, क्योंकि कई बार ना बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उसमें भी ना ऐसा होता है कि जब भी हम व्लॉग बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है उसको बनाने में और काम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि झटपट क्यों ना अपने घर के काम ख़त्म कर लूँ, और मुझे मार्केट भी जाना था थोड़ी सी, मुझे शॉपिंग भी करनी है, क्या शॉपिंग करके आई हूँ ये दिखाऊँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस ये सब चल रहा था, तो झटपट से मैंने जो है यहाँ पे लंच की तैयारी कर ली थी, उसके बाद रोटी बनाऊँगी और फिर चीकू को भी खाना देना है, तो वो सब काम और घर की साफ़ सफ़ाई ये सब तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है इन सब चीज़ों में। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।